गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिश्री अंशुपाल। कल मैंने आपको ये पिक्चर स्टोरी पढ़ाई थी, बैम्बू करी। मैंने आपको इसके ये पैराग्राफ लिखने के लिए बोला था और ये पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला था। एक भी बच्चे ने मुझे काम नहीं चकरा। मैं आगे से आपको पढ़ाऊंगी नहीं, बहुत पिटाई होगी आपकी। गलत बात है बच्चे, रोज का काम रोज करके दिखाया करो। इसमें न्यू वर्ड्स भी नहीं है क्योंकि ये पिक्चर स्टोरी है, ना इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज है, बस वही देख लीजिए। और आज का कल का काम मुझे आज के आज चेक करा देना, कल मैं चेक नहीं करूँगी। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन-लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। आएगा या बैम्बू या विलेज। द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज क्यों नहीं हुई थी, क्यों नहीं बनी थी, बिकॉज इट वॉज हार्ड वर्ड हैंड। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से वर्ड चूज करके फिल करना है। द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज इन लॉज। आएगा इन LAWS लॉज। द मदर इन लॉज पॉइंटेड किस कोई तरफ पॉइंट करा था उन्होंने, जो उनका दरवाजा बांस से बना था उसकी तरफ पॉइंट करा था। एट एट द बैम्बू डोर ही स्टेड दैट नाइट एट हिज इन लॉज। ही कैरिड द बैम्बू डोर, बैम्बू डोर आएगा, बैक विद हिम। द करी वॉज मेड ऑफ बैम्बू शूट्स। बैम्बू शूट्स से बनी थी ना, कोमल भाग से जो नए नए पौधे उगते हैं उनसे बनती है। तो ये एक ऐसी पिक्चर स्टोरी थी, इसमें कुछ भी नहीं है। यूनिट सेकेंड हमारी अब शुरू होगी, टीम वर्क। ये हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे, ओके। आज का और कल का काम मुझे करके दिखा देना, बहुत ज़्यादा पिटाई होगी आपकी।